आज़िज़ नज़रीन व समईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए रब्बी जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बैदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम जोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज अत्तार इस वक्त आपसे मुहातब हूँ। आज़िज़ नज़रीन, आज हमारी और आपकी वीडियो एक बेहतरीन वजीफ़ा, कुरानी वजीफ़ा, जो कि खसूसन आसमानी तूफ़ानों के लिए और आसमानी आफतों से हिफाजत के लिए इंतहाई लाजवाब और आज़मूदा वजीफ़ा है। अल्लाह माफ़ करे, हर साल तकरीबन मानसून में और पूरा साल भी लगभग मुख्तलिफ इलाकों में हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के तूफ़ान आ जाते हैं, या तो मौसलाधार बारिश आ जाते हैं जो कि सैलाबों का शक्ल इख्तियार करके हमारे गरीब आवामों की ज़िंदगियों को मुश्किल बना देते हैं, और या तूफ़ानी हवाएं हमारे पाकिस्तानी भाइयों के इस मानसून के महीने में या अक्सर मौसम गर्म में ये तूफ़ानी हवाएं ये आ जाते हैं। तो मेरे कई दोस्तों ने मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था कि हकीम साहब, आसमानी तूफ़ानों से हिफाजत के लिए, हवाई तूफ़ानों से या बारिशों की तूफ़ानों से हिफाजत के लिए कोई बेहतरीन कुरानी वजीफ़ा चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो मुआज़्ज़ज़ नज़रीन, आज वो वजीफ़ा पेश खिदमत है। वो वजीफ़ा बताने से पहले अपना रिक्वेस्ट, अपना दरख्वास्त आप लोगों के सामने रखना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस किस्म के आज़मूदा वज़ाइफ और मज़बूत हवालों की वज़ाइफ जिसमें किसी किस्म का कोई शक ना हो, जो वज़ाइफ कुरान करीम से या अहादीस नबवीया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से साबित हों, ऐसे वज़ाइफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की आल पर क्लिक करें। साथ में मैं यूनानी नुस्खाजात, हर किस्म बीमारियों के लिए नुस्खाजात भी अपलोड करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा, बशर्ते कि आपने बेल आइकन की आल पर क्लिक किया हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस कार्य खैर में मेरे साथ शामिल हो जाएं, तो सदक़ा जारिया की नीयत से मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें। इंशाल्लाह आपकी शेयर की वजह से आपको सदक़ा जारिया का सवाब मिलता रहेगा, और अगर हो सके तो लाइक दिया करें। आपकी लाइक की वजह से मुझे हौसला मिलती है और एक खुशी सी महसूस होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम मैं मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए करता हूँ वो काम लोग पसंद फरमाते हैं। तो माज़ नाज़रीन, वजीफ़ा पेश खिदमत है। सूरत रआद कुरान करीम में एक पूरी सूरत है, इतनी लंबी सूरत नहीं है, पूरी सूरत है सूरत रआद। ये इन महीनों में, इन दिनों में, यह जब भी आप हतरा महसूस कर लें, जैसा कि आजकल हमारे कराची वाले भाइयों के लिए हतरों की पेशन गोया होते रहते हैं, जब आप हतरा महसूस कर लें तो सूरत रात की तिलावत शुरू कर लिया करें। सुबह, दोपहर, शाम एक एक दफ़ा सूरत रात पढ़ लिया करें। और एक दूसरी वजीफ़ा, जब आसमान पर बादल छा जाएं, हवाएं आने लग जाएं और आपको तूफ़ान आने का हादसा महसूस हो जाए, तो सूरतुल फलक 7 मरतबा पढ़ें और चारों तरफ पुंक मारें। इंशाल्लाह इन दो सूरतों की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तूफ़ान को टाल देगा और हमारे भाइयों की ज़िंदगियां महफूज हो जाएंगी। ये थी आज का वीडियो, इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।